70 लोगों ने वहाँ नॉमिनेशन भरे और एक ही नाम उन्होंने वहाँ दे दिया, वो मेरा नाम था। जिन 70 लोगों ने मेरे नाम का प्रस्ताव दिया, इनमें कुछ साथी ऐसे हैं कि आज वो कहते हैं कि ये नितिन ताज कचरा की कुछ मैं घड़ी से रहता, मैं हाथ से रहता, मैं गाय बच्चे से रहता, मैं दो लाइन से रहता, इलेक्शन के डिजाइन में कोई फर्क नहीं। वैसे पार्टी के सभी साथी, देश के सभी राज्यों से आए हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के ईमानदार सच्चे लड़ाकू वैनाल भाई, आज की ये एक सुनिए दोस्ती कमिटी की मीटिंग देश को और इलेक्शन कमीशन को भी हो सकता है तो एक नया रास्ता दिखाने का काम करेगी। जो प्रस्ताव आप लोगों ने यहाँ पारित किया, इसे एक बार साफ होती है कि जिन मुद्दे पर हम सब लोगों के खिलाफ हमारे पुराने साथियों ने इलेक्शन कमीशन में केस किए, इसका जवाब इस प्रस्ताव से आता। वो लोग कहते हैं कि हम ही राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो लोग कहते हैं कि ताल कचोरा में जब फिर मीटिंग हो गई और वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, वो ही गलत। वो लोग कहते हैं कि जो चुने हुए पदाधिकारी थे उन्हें कुछ अधिकार नहीं है, और इससे आगे वो लोग कहते हैं कि हम ही सच्चे राष्ट्रवादी के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी है, और राष्ट्रवादी नाम हो, इसका सिंबल हो, इसका इस्तेमाल करने का अधिकार खाली हमें ही है, आपको हम लोगों को नहीं है। मजे की बात है कि जब मीटिंग हो गई ताल कचोरा में, आप मौजूद थे वहाँ, इलेक्शन लेने की जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर पर थी। रिटर्निंग ऑफिसर पीतांबर मास्टर जी थे, वो मीटिंग में हाजिर थे। उन्होंने इलेक्शन का प्रोसीजर कैसा होगा ये बात सबके सामने कही, दो दिन का समय दे दिया और आप सभी साथियों के पास से किस साथियों को चुनाव लड़ना हो या किस साथी का नाम आप देना चाहते हैं ये सूचना उन्होंने आपके दे दी, और ये देने के बाद 70 लोगों ने वहाँ नॉमिनेशन भरे और एक ही नाम उन्होंने वहाँ दे दिया, वो मेरा नाम था।
आज जिन 70 लोगों ने मेरे नाम का प्रस्ताव दिया, इनमें कुछ साथी ऐसे हैं कि आज वो कहते हैं कि यह मीटिंग ताजा की वो ठीक नहीं थी, कानून के मुताबिक नहीं थी, वहाँ जो चुनाव हो गया वो कानून के मुताबिक नहीं था। मजे की बात यह है कि चुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म जो भरा और जिसमें मेरा नाम दे दिया, वो नॉमिनेशन फॉर्म में जो आज कहते हैं कि वो चुनाव ठीक नहीं था, उनकी खुद की सीनियर से है, उन्होंने खुद ये प्रस्ताव दिया था। और उन्होंने खुद प्रस्ताव देने के बाद अनफोर्स इलेक्शन होने के बाद आज उन्होंने अनाउंस किया है कि ताज प्रसल की उसके स्वतंत्रता की मीटिंग कानून के मुताबिक नहीं थी। हम कहते हैं कि हम कुछ लोग बैठे और हम लोगों ने तय किया कि यह अध्यक्ष होगा, ऐसे ऐसा नाम होगा, इस व्यक्ति को अधिकार है इलेक्शन कमीशन इस पर कैसे जो कहीं आपकी नीति है वो देश के सामने लाएगी। इससे पहले कई बार ऐसी स्थिति कई राजनीतिक दलों के पास आ गई। आज जो हमें छोटे लोग गए हैं, उन्होंने कई बार पब्लिक ये कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का नाम हमें ही मिलेगा, चुनाव चिन्ह हमें मिलेगा, झंडा हमें मिलेगा। अभी तक ये हुआ नहीं। कल से चुनाव आयोग इससे ध्यान देने वाली है, मगर इससे पहले जो लोग पार्टी छोड़ कर गए वो मजबूती से कहते हैं ये सब डिसीजन हमारे फेवर में आने वाला है। मैं समझ नहीं सकता कि ऐसे कैसे हो सकता है। कानून के मुताबिक काम हो जाएगा तो आपकी बात 100% सच्चाई की बात। कानून छोड़कर गलत रास्ते से जाकर कुछ तो किसी ने कुछ करने का प्रयास किया तो जो हमें छोड़कर लोग गए हैं वो कहते हैं उसको कुछ ना कुछ आधार है, ऐसी बात हो सकती है। मैं पहले एक बात साफ करता हूँ आपको कि डिसीजन कुछ भी आए तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको याद नहीं होगा, पहले बार कांग्रेस पार्टी जैसी जबरदस्त पार्टी थी इसमें मतभेद हो गए, पार्टी के दो हिस्से बन गए, एक हिस्सा इंदिरा जी के नाम पर था जिसको इंदिरा कांग्रेस या कांग्रेस आए कहते थे, दूसरा हिस्सा निजी नफा जो कर्नाटक के नेता थे वो प्रेसिडेंट थे उस कांग्रेस को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कहते थे, चुनाव लड़े कांग्रेस आए कांग्रेस हो, ऐसी ऐसी लोगों ने तय किया कि कांग्रेस आए सच्ची कांग्रेस है और उस तरह से डिसीजन लोगों ने दे दिया। चुनाव अलग था, अलग चुनाव आने के बाद भी मतदाता ने उन्हें जो करना है वो उन्होंने किया। चुनाव चिन्ह एक महत्व का आधार है, मगर इस देश में प्रजातंत्र अभी यहाँ तक पहुँचे है कि चुनाव चिन्ह बदल गया तो लोग अपना निर्णय बदलते नहीं।
मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने पहला चुनाव जो लड़ा 1967 में, 55 साल पहले, मैं कांग्रेस का उम्मीदवार था और मेरा चुनाव चिन्ह दो मई थे। आपसे याद होगा पुराने लोगों को, दो महीनों की जल्दी ये चुनाव चिन्ह था और इस पर मैंने चुनाव में जीत कर आ गए। 3 साल के बाद कांग्रेस में संघर्ष हुआ, दो कांग्रेस हो गई। ये वही जो थी दोनों वही पर सिनेमा खत्म हुआ। इलेक्शन कमीशन ने तो किसी को देना नहीं ऐसा निर्णय दे दिया। हमने नया सिंबल आया, पर नया सिंबल चरखा था, गांधी जी का चरखा, इस पर मैंने चुनाव लड़े, हम जीते। इसके बाद इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी के खिलाफ देश में एक माहौल हो गया। इंदिरा जी खूब हारी, कांग्रेस हारी, फिर कांग्रेस के दो हिस्से हो गए। नया चिन्ह लेना पड़ा, पहला चिन्ह दो भाई, दूसरा चिन्ह चरखा, तीसरा चिन्ह हाथ, गाय मसला, गाय मसला, चौथा चिन्ह हाथ और पांचवा चिन्ह हम लोगों ने चुनाव कांटेस्ट किए घड़ी। मैं घड़ी से लड़ा, मैं हाथ से लड़ा, मैं गाय मसले से लड़ा, मैं दो वही से लड़ा। इलेक्शन के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव चिन्ह बदलने की साजिश कुछ लोगों की हो सकती है, पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इससे आम लोग वैसे होशियार है, वो जानते हैं कहाँ वचन दबाना, और इसलिए इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देश का माहौल बदल